चार टाइप की रिएक्शंस है, SN2, SN1, E2, E1। अब कैसे बताएं कि कौन सी रिएक्शन कहां पे होती है और कौन सी रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या यूज होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या यूज होगा, ठीक है? तो सिंपल सी ट्रिक, सिंपल से फंडे लगाएंगे। देखो, हमने ऐसे फ्लो में लिख लेनी है चारों रिएक्शन। यहां पे तो ये सिंपल लिखे हुए हैं, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, ठीक है? अब रिएक्शंस को हमने ऐसे फ्लो में लिख लेना है, पहले 2 वाली मतलब SN2 एंड E2, फिर 1 वाली SN1 एंड E1, ठीक है? इतना सा फ्लो याद रखेंगे कि पहले 2 वाली फिर 1 वाली, SN2 E2 फिर SN1 एंड E1। अब देखो क्या करना है, देखो ये है प्राइमरी, यहां पे लिखा हुआ है 1, 1 मतलब 1, ठीक है? 1 लिखा हुआ है तो सिर्फ ये एक में होगी, इसके सामने जो है सबसे ऊपर जो है 1 मतलब 1, मतलब ये सिर्फ एक में होगी, इसमें होगी SN2, सिंपल है इतनी सी बात। अब देखो, अब इस 3 को पकड़ लो, 3 मतलब 3, ठीक है? 1 मतलब था 1, 3 मतलब 3, जो बाकी की 3 बची, ठीक है? टर्शियरी हैलाइड में ये 3 होंगी, प्राइमरी में ये होगी। अब बचा 2, 2 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर कितना आया 4, 4 मतलब ये होगी चारों में, प्राइमरी हैलाइड्स में होगी सिर्फ 1 से हमें याद आया 1 मतलब सिर्फ SN2, टर्शियरी हैलाइड्स मतलब 3 मतलब 3, तो बाकी की जो 3 बची थी टर्शियरी में होंगी ये वाली 3, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 4, मतलब 4 ही रिएक्शन लिखी हुई है तो सेकेंडरी में होंगी ये वाली चारों। इतनी बात अपनी बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं सॉल्वेंट कौन सा होगा, कौन सी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। अब हम 2 वाली को अलग डिवाइड कर लेते हैं और 1 वाली को अलग, ठीक है? SN2 एंड E2, SN1 एंड E1, ठीक है? इन दोनों के लिए अलग से चलेंगे, इन दोनों के लिए अलग से चलेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, ट्रिक्स भी बता दूंगा, पहले देख लेते हैं सॉल्वेंट क्या होगा। ये 2 वाली रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट प्लस न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर दो, इसमें था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें हो जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्लस वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? अब इसको ट्रिक्स की हेल्प से याद कैसे रखें, देखो सिंपल सी बात है, यहां पे हमने क्या था, यहां पे था 2, तो 2 लीटर की हम क्या लाते हैं, 2 लीटर की हम क्या लाते हैं, 2 लीटर की लाते हैं हम पेप्सी, 2 लीटर की लाते हैं पेप्सी। पेप्सी की स्पेलिंग क्या याद रखेंगे, PAPSI, 2 लीटर की पेप्सी मतलब सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल, 2 लीटर की थी ना, तो 2 वाली में सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल एस से स्ट्रॉन्ग, ठीक है? पेप्सी से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये 1 वाली इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। टॉपिक अपना क्लियर है, थैंक यू।